हेलो गाइस, और हम अभी आनंद विहार मोड़ एक्सप्रेस में हैं, जिसका हम 50% जो यात्रा है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यह अभी कानपुर पहुंचने वाली है, जो कि NCR जोन में आता है, और लगभग उस स्टेशन से कानपुर वहां से लगभग 150 ट्रेनें डेली अप डाउन करती हैं। और ये ट्रेन आनंद विहार मोड़ एक्सप्रेस इसलिए खास है क्योंकि यह माउंट भंजन तक जाती है आनंद विहार से चलकर, और यह 2 दिन चलती है। एक तो गाइस मैं और मेरे फ्रेंड मिस्टर नीरज श्रीवास्तव एंड हम दोनों आनंद विहार मोड़ एक्सप्रेस के अंदर खड़े हैं। थोड़ा अंदर का रिव्यू देखेंगे, ट्रेन के अंदर का क्या सिस्टम है। ट्रेन में देखिए कितना शांति माहौल है, काफी लोग हैं जो कि इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। ये ट्रेन काफी रिलैक्स, 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। इसमें भीड़ ज्यादा नहीं होती क्योंकि ये निकली है, इसलिए देख सकते हैं आप ठीक ठाक लोग हैं। यहाँ पर हमारे फ्रेंड है, अभी अभी बात कर रहे हैं, आप मुझे देख सकते हैं। हेलो गाइस, ये ट्रेन अभी कानपुर के यार्ड पर रुकने वाली है। आउटर साइड पर देखिए रेड बत्ती जल रही है इस ट्रेन के लिए आनंद विहार मोड़ एक्सप्रेस की, और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं मैं और मेरे फ्रेंड एंड मेरी फैमिली अंदर है। हम लोग बहुत ही एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। ये ट्रेन अभी यार्ड पर रुकेगी आउटर पे, फ्रेंड को देख सकते हैं, जो कि ये बेस्ट मोमेंट है। मजा आ रहा है आपको फ्रेंड, कैसा लग रहा है? बहुत मजा कैसा लग रहा है? जो कि आगे हम कानपुर सेंट्रल पे रुकने वाले हैं। अच्छा, तो ओके, आप कैसा फील कर रहे हैं ट्रेन में सफर करके? जैसे कि कानपुर आउटर पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो अभी ट्रेन को पहुंचने में मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे कानपुर सेंट्रल पहुंचने। अच्छा, जबकि ये अलग ही मोमेंट है कि स्टेशन से पहले किसी का इंतजार करना, वो अलग ही मोमेंट। चलिए हम देखते हैं इस मोमेंट को, हम भी एंजॉय करेंगे आपके साथ। साथ में आप भी फ्रेंड यार, थैंक यू यार, आप मेरे साथ आए बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए आपके सामने एक इंजन खड़ा हुआ है जो कि मालगाड़ी का है। हाँ, जो कि मालगाड़ी का है, फ्रेंड्स बता रहे हैं मालगाड़ी का है, पक्का ही मालगाड़ी का है 100% श्योरिटी के साथ। उन्हें एक्सपीरियंस है क्योंकि एक्सपर्ट है। आउटर के चक्कर में पूरा आउट हो जाएंगे। बोलो, हम अभी कानपुर आउटर पे पहुंचे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, लाइट्स वगैरह जल रही हैं, और काफ़ी अच्छा स्टेशन है। 7:30 बजे हाँ, अभी 7:30 बज रहे हैं सर, अभी 8 बजने वाले होंगे लगभग। ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंच रही है जी सर, 8:36 हो रहे हैं। 7:36, सॉरी आपने सही बोला, राइट। क्या अजीब है यार, क्या अजीब दास्ता है ना, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। और मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, मैं और मेरे फ्रेंड हम सब लोग गांव जा रहे हैं। और ये नज़ारा हाँ, ये देखिए कानपुर सेंट्रल, ये कानपुर सेंट्रल स्टेशन है जो कि नॉर्दर्न रेलवे का NCR नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का जोन है, और ये काफ़ी बड़ा स्टेशन भी है जो कि हम प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैक्स भी काफ़ी हैं, देखिए एक ट्रेन जा रही है, ये कानपुर सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल। गाइस, कानपुर सेंट्रल में आपका स्वागत है, आप सभी लोग अब कानपुर सेंट्रल में पहुंच गए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप कानपुर सेंट्रल में हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या भीड़ है, ये देखिए यहाँ पर भीड़ भी है काफ़ी। कैसा लग रहा है तो आपको बताएंगे आप? कानपुर सेंट्रल को काफ़ी अच्छा लग रहा है दर्शकों को, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये रेलवे रूटीन ना होने के कारण इस ट्रेन में काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है, पर ट्रेन में जनरल डिब्बे अधिक होने की वजह से मैक्सिमम भीड़ का पता नहीं चलता है, जो कि मैक्सिमम दोनों और सेकेंड एसी भी पाई जाती है इसमें। हाँ, तो उन्होंने बोला है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, सेकंड एसी एंड देन एसी भी है इसके अंदर, और रिजर्वेशन क्लासेस भी हैं। आप भी इसमें सैर कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और इसका नॉर्मल किराया, जनरल किराया है 235 रुपये, जो कि आनंद विहार से आजमगढ़ तक का है। हम लोग आजमगढ़ ही जा रहे हैं, देन फ्रेंड आपको आजमगढ़ तक का ही बताएंगे, उसके आगे ट्रेन मऊ तक जाएगी। देखिए आप भीड़ देखिए, यहाँ का लोग भाग रहे हैं। हाँ, 3rd AC का किराया 1100 रुपये है, सही बोला है सर आपने। कोई दिक्कत नहीं, पानी भरेंगे, भीड़ बहुत है दोस्तों। मज़ा आ गया नज़ारा देखकर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का,
हम थोड़ा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, आप सभी को दिखाएंगे। गाइस हम अभी कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हम बाहर उतरे हैं सामान वगैरह लेने के लिए। देखिए दोस्त ने फ्रेंड ने पानी बोटल्स लिया है, कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इसमें लोकोमोटिव जो है वो डीजल ही है, वो स्टार्टिंग से डीजल स्टार्ट बन के चली आती है और डीजल ही रहती है लास्ट तक, फाइनल डीजल ही रहती है। ठीक है आप देख सकते हैं इंजन भी, थोड़ा आगे चलते हैं। गाइस हम कानपुर सेंट्रल में है, अपने इंजन देख लीजिए, ठीक है WDP4 लिखा हुआ है इंजन का और कानपुर सेंट्रल है। फ्रेंड हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप सभी मुझे भी देख सकते हैं और मेरे फ्रेंड्स को भी और इंजन भी साथ में। तुगलकाबाद का इंजन है WDP4, इसका मतलब होता है वर्ड गेज पे, जो वर्ड गेज पे चलती है वाइड गेज पे चलती है वो गाड़ी होती है। डीपी का मतलब डीजल पैसेंजर ट्रेन है, इसलिए नंबर इसका 4059। ओके नंबर फ्रेंड्स, ये यहाँ पर लोकोमोटिव्स का जो ड्राइवर है वो चेंज होता है और यह ट्रेन 15 मिनट के स्टॉपेज के साथ यहाँ रुकती है, 15 मिनट के स्टॉपेज के साथ यह ट्रेन यहाँ रुकती है। देखिए आप यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज हैं जो कि ड्राइवर से लोकेशन पूछ रहे हैं कहाँ पर है लिखा है। आनंद लखनऊ पहुँच गई है गाड़ी, ओ माय गॉड मज़ा आ गया देखने का। फ़ोन मेरा चला जाएगा तो क्या होगा यार, सर जी कुछ नहीं होगा, ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। देखिए एक इंजन लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ जाएगा, इंडियन रेलवेज का। हम लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हैं, लखनऊ चारबाग, ये लखनऊ चंडीगढ़ प्रयागराज की ट्रेन है, कोई आपके सामने है देख रही है। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर, तो अब ये ट्रेन यहाँ पर 15 मिनट रुकने वाली है, तो कुछ ले ले स्टेशन पर, ये ब्रेक है कमर्शियल स्टॉपेज है ट्रेन का आनंद विहार मोड़ एक्सप्रेस का। चलिए आ जाइए पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। भाई हमने फूड वगैरह ले लिया है, फूड वगैरह ले लिया हमने इस शॉप से, पता नहीं जो भी है। गाइस अब हम लखनऊ में हैं तो थोड़ा देखना पड़ेगा क्या करना है, और हमारी ट्रेन की लाइन क्लियर हो गई है, आप देख पाएंगे शायद आपको दिखाई दे जाए, येलो लाइन चल रही है और लाइन क्लियर हो गई है। तो यह ट्रेन आनंद विहार मऊ एक्सप्रेस अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चलेगी, अपने नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए चलेगी, जो कि इसका नेक्स्ट स्टॉपेज क्या है जो कि फैजाबाद है। हाँ जी ये फैजाबाद बहुत ही टाइमली छोड़ेगी, अभी तक तो टाइमली चली है, थोड़ा बहुत ही लेट है, इतना नॉर्मली हर ट्रेन लेट होती है गाइस। सो हम अब नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए चलेंगे, यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं पैसेंजर्स। ये रही ट्रेन, बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए केले केले वगैरह हैं, बनाना एंड अदर अंगूर वगैरह हैं, फल फ्रूट्स हैं, खाएगा फल फ्रूट्स लो खाएंगे क्यों नहीं यार। फ्रेंड हमारे पूछ रहे हैं फ्रूट्स खाओगे नहीं, आप खाओ खाओगे, खाना पसंद करोगे? ठीक है तो हम फ्रूट्स लेते हैं। गाइस गाइस हमने केला ले लिया है और हम ये हमारी ट्रेन हॉर्न दे चुकी है और हम निकल रहे हैं, ठीक है जल्दी निकलने वाले हैं, अब जल्दी निकलने वाले हैं, अभी इस स्टेशन को कहने वाले हैं लखनऊ वाले बाय। वैसे अच्छी सिटी है, बहुत मजा आया भाई लोग। अब हम अकबरपुर स्टेशन पर हैं, अब यहाँ से 100 किलोमीटर, यहाँ का आधे मुठ का डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है और एयर इंडिया विद स्पीड भी 90-100 है, 95 किलोमीटर पर आवर का है। मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गाइस अभी हम पहुंचे हैं अकबरपुर जंक्शन, और अकबरपुर जंक्शन में बहुत ही अच्छा लगा, आप स्टेशन देख सकते हैं, यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म और 5 ट्रैक्स हैं,
और अभी अंधेरा है। और स्टेशन पर रात के टाइम लगभग 50 से 70-80% होंगे फिलहाल। हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें जैसा क्लियरिटी आ रहा है उस हिसाब से हम कैप्चर कर रहे हैं अकबरपुर रेलवे स्टेशन को, जंक्शन को। ताकि आप लोग बेस्ट समझोगे, बेस्ट देखोगे। हेलो, तो हम लोगों की लगभग यहाँ पर 80 से 95% तक यात्रा ख़त्म हो गई है। और अभी हम लोग अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर हैं, जो कि एक अच्छा रेलवे स्टेशन है, ये भी बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन है। हेलो गाइस, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम, आपका अपडेट रेलवे चैनल में। और आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं बस आप सभी को बताऊँगा आनंद विहार मऊ एक्सप्रेस के थोड़ा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम लोगों ने बताई नहीं थी और अब हम बताएंगे आपको। यह ट्रेन 12:55 पर आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन से चलती है, जिसका स्टॉप गाजियाबाद फर्स्ट और सेकेंड, कानपुर थर्ड, लखनऊ और फैजाबाद, अकबरपुर, सागंज, आजमगढ़ और मऊ स्टॉपेज हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम में, जो कि इसका निर्धारित टाइम है लगभग ये अपने निर्धारित टाइम से 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाती है, लेकिन यह ट्रेन बहुत ही टाइमली छोड़ती है, क्योंकि मैं इस ट्रेन में गया हूँ और अभी हमारी ये वीडियो है जो कि आप सभी के सामने मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इस ट्रेन काफ़ी इंजॉय किया और आप भी इंजॉय कर सकते हैं इस ट्रेन के अंदर। फ्रेंड, मेरा नाम शिवम है और मैं आजमगढ़ से हूँ, तो मैं अपने डेस्टिनेशन के बारे में ही बताऊँगा, क्योंकि ये ट्रेन मुझे बहुत अच्छी लगी और इस ट्रेन में मैंने काफ़ी इंजॉय किया। सभी लोग गए थे, बहुत मज़ा आया जनरल कोचिस में, और हम लोगों ने हर स्टेशन पर आपको दिखाई दिया है नीचे। थैंक यू सो मच। यह स्टेशन, यह ट्रेन जो है उसने हमें आजमगढ़ 5 बजे छोड़ दिया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम सुबह सुबह अपने घर पहुँच गए। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ना इस ट्रेन को लगभग हमें वीकली ना करके इसे डेली कर दिया जाए, ताकि यार हम इसका डेली यूज़ कर सकें और अपने लाइफ में इस ट्रेन का यूज़ कर सकें। और जो लोग अपने गांव जाते हैं वो काफ़ी टाइम से ही अपने गांव पहुंच पाएंगे यार, बहुत अच्छा लगेगा। लोग अपने गाँव में सुबह मॉर्निंग में यार क्या वो एक्सप्रेशन रहेगा, सुबह पहुँच जाए और बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।